एक मिनट, ये है जी R1 है जी। अब बताएं दलाल भाई क्या चीज है ये? 2017 मॉडल है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, बेहतरीन होंगे, जैसे कि आपका भाई बेहतरीन और यस कमांडो है। शर्ट आपके भाई ऊपर कैसी लग रही है? येलो डल्टी फैलो हो गए यार, कोई गल नहीं, आप आ गए घंटा कर आए 15 मिनट बाद। अल्लाह की कसम इन्ना रश मुल्तान च है आज, सॉरी मुल्तान में रश है, फिर मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, मुझे ना पंजाबी वाला ना कीड़ा तंग कर रहा है, तो दफा करो आगे हम सीधा घंटाघर। हमारा घंटाघर कितना खूबसूरत है गाइस, जिस भाई ने घंटा कर नहीं देखा कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल तुम्हारा खाने का मूड है रवीद बिरयानी। तेरा मुझे पानी आ रहा तुम्हारे मुंह पर? नहीं आज नहीं आ रहा, हाल ही नहीं आ रहा ट्रेन की बोगी के ना होटल बना दिया, पता नहीं क्या बनाया। दिखाते हैं गाइस, पहले जरा इसको ऑर्डर देते हैं। भाई मोटरसाइकिल डालो भाई, आपको नहीं पता हमारा हेलीकॉप्टर आया। ओके बस ना एंड इतने खलौंदे। अच्छा बाकी गल गया, पीछे कर लो। गाइस दाने हो गई हैं, जल्दी डाल दे सारा। हाँ सारा डाल दो, ये ले भाई जान। ठीक है जी, ये ले और ठीक है भाई। शुक्र अल्लाह का, ना ये जो व्हाइट लाओ है ना, और जो बीप के साथ खिलाई हुई है, ये जुबैर भाई को भी खिलाई हुई है, सबकी फेवरेट है ये, और मेरी भी है। मैं रोज नहीं खाता, कभी कभी खाता हूँ, पहली बाइट लेके बताता हूँ। मजेदार, हाँ जी मजा आया, जबरदस्त। कितनी? बहुत। गाइस हमने ना रहमान की शादी करानी है, आप लोगों के पास कोई लड़की हो मुझे कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे जरूर बताना। ये देखें गाइस, वो है ट्रेन की बोगी। मैं जरा गाड़ी लगाऊं साइड पे, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। और एक हमारे दोस्त हैं जिनको भी मैंने जूम करके दिखाया है, वो भी हमें देख रहे हैं, उन्होंने मोटरसाइकिल रोक लिया। अभी हम लगाते हैं गाड़ी साइड पे और आपको भी मिलवाते हैं और उनसे खुद भी मिलते हैं। गाड़ी हमारी साइड पे, बैठर हो। और कैसे हैं आप सर? कहाँ फिर रहे हैं आप? आए भाई चले गए जी। गाइस हम आपको दिखाते हैं ट्रेन, नजर आए ट्रेन की? रघमान साहब क्या बन रहा है, होटल ही है, खाने पीने का होटल है ना। एक मिनट उतर के दिखाता हूँ व्यूअर्स को ना, व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ उतर के। एक नई चीज सारी है आपको, ये देखें क्या चीज है, ये मैं कल रेस्टोरेंट बन रहा, रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ये मैं कल बोगी के अंदर रेस्टोरेंट बन रहा है। चलो कभी आपको अंदर लेके जाएंगे, फिलहाल तो कबूतरों को दाना दे लो, फिर देखते हैं क्या करना है। मैनू आवाम ऐसे देख रही है, ऐसे मुझे भी खाएगी, पता नहीं किस खुशी में देख रही है आवाम मुझे। आहा अस्सलाम वालेकुम जी, दरबार देखते चले, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आवाम तमतमे पे भी खड़ी हुई है, वो देखें जी ऊपर से नजर आ रही है आवाम, इसको बोलते हैं हमारे मुल्तान का दमदमा। मैं आगे जाके दिखाता हूँ गाड़ी लगा के, पहले कबूतरों को दाना देने। चलो अंकल अब देते हैं जल्दी से देते हैं, नहीं तो वहाँ हम ऐसे देखते जैसे हम कुछ चीज़ खा देंगे। ये देख डर गए वो देखे जो ऊपर दमदम है, ये वहाँ खड़ी रहती है, कहते हमने दाना, अब निकलते हैं हम जल्दी से। छापी दे इसको, ये वाली इन्हों का छापी, जल्दी चले आवाम, नहीं तो पड़ जाती है यहाँ पे, छोड़ती नहीं आवाम।
चलो रुमान साहब हूँ जल्दी से ले कुर्सी देखने। मैं हमने कुर्सी लेनी टिकटॉक के लिए, चलते हैं सीधा कुर्सी देखते हैं। पहले आपको भी दिखाते हैं कौन से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। कुर्सियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त कुर्सियाँ होती हैं। अब लाट वाली होती हैं, लाट वाली अमेरिकन कुर्सियाँ होती हैं, वो देखते हैं कोई एक आधी अगर अच्छी लगती है तो फिर लेते हैं। उसके बाद वैसे मशीनें भी होती हैं जिम वाली, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत बड़े मार्केट है ये, हमने ऐसी कोई कुर्सी लेनी है, डिसाइड कर लें। आप बताएं कौन सी लें, वैसे ही अच्छी लग रही है ये बड़ी बड़ी कुर्सी है। टिकटॉक पर बैठते हैं ना हम, फिर देखते हैं कौन सा लेते हैं। एक मिनट का ज़रा देख रहे हैं और आपको भी दिखा दें, फिर आप हमें कमेंट्स में बताना। ये भी अच्छी है, ये ना इम्पोर्टेड होती है, बाहर के मुल्क से आई होती है, यूके से, इटली से, फ्रांस से, और ना इनकी लाइफ अच्छी होती है। आजकल की 25-25 आ रही कुर्सियाँ चाइना की, लेकिन उनकी लाइफ आपको पता है। तो पाकिस्तान चाइना चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बताया इनके पास और बड़ी चीज़ें हैं, लोकेशन आपको मैं बता दूंगा इसकी, घंटा करके बिल्कुल पास ही है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं। इन्होंने भी रेट तेज़ कर दिया जी, 14,000, 18,000, 22,000, 24,000, इन्होंने भी रेट तेज़ कर दिया आपने। बहरहाल देखते हैं, एक तो दुकानें और हैं वो देखते हैं, अगर वहाँ से नहीं मिलती तो फिर इधर दोबारा आ जाएंगे हम। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं जनाब, आज आपको गाड़ी का रिव्यू भी देंगे इंशाल्लाह, शोरूम पे भी चलना है। गाइस आगे घूमते घूमते हम इधर ये अलमारी लिए 0 मीटर रमान साहब के लिए। रमान साहब अपने कमरे में रहते हैं तो क्योंकि कपड़ा अलमारी नहीं है, और उसने बड़ा खिलारा मिलारा मचाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो रमान साहब को एक अलमारी ले देते हैं। और ये जी साथ जा रहा रमान आपके ना, हम चलते हैं सीधा घर। कुर्सी तो हमें पसंद कोई आई नहीं, तो बस हमने ये अलमारी लेके दे दी रमान को, कुर्सी हम बाद में ले लेंगे जब हमें समझ में आएगी या नहीं आएगी। शोर बहुत हो रहा, चलते हैं सीधा घर, मम्मा से मिलने जरा। खोल गया जी दरवाजा, आज हमारी अम्मा ने खोला दरवाजा। सुनाओ सर, कहाँ गई दरवाजा बंद कर दिया? अच्छा बाबा मम्मा कह रही है भाभी गई हुई है अपनी मम्मा की तरफ, फिर आज बच्चे पूछे तो हमें मिलेंगे ही नहीं, फिर आज हम किससे पंगे लेंगे। अम्मा ने भी ड्रामा देख रही है, अम्मा ड्रामा देख रही है। अम्मा जी बंद कर रहे हो, सफाइयाँ करवा रही थी आप, इधर आ जाओ ना, कहाँ जा रही हो, लाइट जला दो, किधर जा रही हो, लाइट जला दो ना। सुनाओ मोबाइल सही चल रहा आपका? जबरदस्त बेहतरीन, वो ब्लाइंड लोग कितना साल की रहा, मुझे इनवाइट कर रहे थे, ब्लाइंड लोग नहीं थे ना भी ना लोग, तो जा रहे हो आप? हाँ वो मैसेज कर रहे हैं, कह रहे अगर शिकार पे नहीं गया तो आ जाओ, मैं तो गया नहीं, फिर मैं तो उठा नहीं था आज। कहाँ है उनका घर? इधर मॉडल टाउन है, मैं सोच रहा हूँ शोरूम पे जाना, पहले देखो उनसे मिलता जाऊँ, खुश हो जाएंगे वो लोग, खुश हो जाएंगे वो भी, वो क्या ले लेता हूँ जी। गाइस अब चलते हैं घर सीधा शोरूम पे, और जी वो तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे ब्लाइंड कपल जो हैं, हम निकलते हैं सीधा शोरूम पे चलते हैं। और जना एक मिनट है भाई, तो शोरूम पर आज आपको नई किसी गाड़ी का रिव्यू देंगे, कुछ प्यारी सी गाड़ी का, खूबसूरत सी गाड़ी का रिव्यू देते हैं आपको अभी। जो बंद जान हमारी बंद हो गई है, किस गाड़ी का रिव्यू दें कमेंट्स में आप बताते नहीं, आप लोग बताया करें यार कौन कौन सी गाड़ी का आपको रिव्यू चाहिए होता है, मैं दे दिया करूँगा डेली बेसिस पे, कौन सी बात है। आज आपको हैवी बाइक का रिव्यू देते हैं, बल्कि आज आपको गाड़ियों का रिव्यू नहीं देते, हैवी बाइक का देते हैं, बाइक दोस्त लेके आए हैं डिस्प्ले देखते चले। सनाटा, चलो सनाटा का देते हैं आज आपको रिव्यू ना, चिंगारी भी आई हुई है। और सर पहले हमारे तलाल भाई आए हुए हैं, आप आगे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कज़न, कैसे हैं आप? ठीक हैं तलाल भाई? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? हम डेली गाड़ियों का रिव्यू देते हैं, आज हम हैवी बाइक का रिव्यू देंगे। बताएं दलाल भाई इसके बारे में, बताएं पहले, वॉक अराउंड दे दें। 2017 मॉडल है। एक मिनट, ये है जी आर वन है जी। अब बताएं दलाल भाई क्या चीज़ है ये? 2017 मॉडल है। अच्छा, और 2021 का इम्पोर्ट है, ये फास्टर बाइक है। ओहो, हम इसको हम चला सकते हैं? अच्छा चल, वो कहते हैं एरर आ गया, अभी थोड़ी देर में चलाना, अभी मैं भगा के आया हूँ उसको, तो इसमें एरर आया हुआ, लुक चेक करें इसकी, लग रहा है ना बलान। चलो अभी उधर एरर ख़त्म हो जाए ना, मैं आपको ज़रा सनाटा के बारे में बताऊँ, क्या एल्समैन के बारे में बताऊँ, कौन सी गाड़ी के बारे में बताऊँ आप लोगों को? एल्समैन के बारे में बताता हूँ, ये इसके बारे में क्यों बताता हूँ, क्योंकि
कि आप लोगों के बजट वाली गाड़ी है, ये लुमियर नहीं है, 1.5 तो होगी पर लुमियर नहीं, लुमियर में सनरूफ आता है, ये ऑटोमेटिक है। अभी तरह मैली कुछ है, मैंने कहा अभी आइए शोरूम पे, बैठना पड़ा, खाली पड़ा गाइस। और ये हमारे मामू जी ना पीछे लग रहे हैं कि पेपर उतारने। मामू गाड़ी खरीदी है ये? अच्छा चलो ले लीजिए। ये मामू कौन सा वाला वेरियंट है, ये कौन सा वाला वेरियंट है? सनरूफ तो इसमें है नहीं, वेरियंट कौन सा? शादी है ना, है ऑटोमेटिक और ये शादी है। बाकी प्राइस मैं पूछता हूँ क्योंकि मैं तो आपके सामने अभी भी आया हूँ, ये फ्रेश हो रही है, इसके अंदर सामान वगैरह निकलेगा। सीटें इसकी लेदर वाली हैं, बाकी इसकी जितनी भी डिटेल है वो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर देता हूँ मैं। फिलहाल ये देखते चले, इसके अंदर क्रूज़ भी नहीं है, शादी है ये, वरना इसके अंदर जो लुमियर है 1.5 उसके अंदर क्रूज़ भी होता है, इसके अंदर क्रूज़ नहीं है। और एयरबैग की ऑप्शन इसमें 1-2 फिलहाल तो 2 ही नज़र आ रहे हैं एयरबैग, बाकी कंटो इसका जो LCD है वो बहुत छोटी सी है, ये देखें साइज तो अंदाज़ा कर रहे होंगे आप। बाकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, इस प्राइस के अंदर गाड़ी अच्छी है। मैं प्राइस पूछ लेता हूँ भाई से क्या है, आपको बताया तो इसी वीडियो में प्राइस बता दूंगा। बाकी गाड़ी आप देखते चले, ये सफाइयाँ आप देख लें, पेपर लगते हैं ना, हम लोग अपनी गाड़ी में पेपर नहीं लगाते। ये देखें भाई गाड़ी के पैसे कितने, पैसे कितने इसके, पैसे कितने, पैसे पैसे पैसे, ये 34 लाख 34 लाख रुपये का इसकी डिमांड है भाई, तभी पूछा मैंने। और किसी भाई ने भी लेना HS मोटर रहा कर 2022 मॉडल है, ये नंबर इसको पंजाब का लगा हुआ है, अभी दिखा देता हूँ आपको। बाकी गाड़ी ठीक है, अगर इतने पैसों में अगर गाड़ी लेनी हो तो, क्योंकि ना इतने पैसों में आल्टो भी नहीं मिलती आपको। चलते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठ जाए, सांस ले लें, आते साथ ही आपको गाड़ी को डिटेल देने लग जाता हूँ। थोड़ी देर बैठ जाए अंदर, गपशप कर लें ऑफिस में, बाकी और कौन सी गाड़ी है सुबह बताएंगे आपको। हमने जाना है दोस्त की, हमारे सालगिरह, उसके लिए भी परफ्यूम भी लेना है। जेड रोड पर चलते हैं, आज खर्चे हो रहे हैं। सुबह रमान को अलमारी ले दी है, अभी इनविटेशन कार्ड आया बर्थडे का, अब जाना पड़ेगा तो गिफ्ट तो लेके जाना पड़ेगा। क्यों शहजाद भाई गिफ्ट नहीं लेके जाना पड़ेगा, गिफ्ट तो लाजमी है, पानी हमें भी ला देना जब फ्री हो। और तो चलते हैं जी सीधा जेड रोड पर। गाइस हमने लिए MTJ से परफ्यूम लिया दोस्त के लिए, उसकी बर्थडे आज और सेल लगी हुई है 25%। परफ्यूम बड़ा ही ज़बरदस्त, क्या नाम है भैया परफ्यूम का? शौक। शौक तो ना था परफ्यूम है गाइस, मैंने नहीं पता कि ना है था, लेकिन परफ्यूम चंगा वाला सस्ता हुआ। ऐसे 4000 रुपये का था, 2500-3000 रुपये का दिया, 20% सेल लगी हुई थी। ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत है नहीं हमें। चलते हैं सीधा बाहर की तरफ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। दुकान आप देखते चलें, ज़बरदस्त दुकान बनाई हुई उन्होंने, ये इनकी है, क्या नाम है इनकी है, ये पीर साहब जो हैं, मुंतारिक जमील साहब की दुकान है ये। चलते हैं सीधा बाहर। गाइस परफ्यूम शरफ्यूम लेके हम फ्री हो गए थे, और उनका ब्लाइंड्स कपल का भी मुझे कॉल आ गया था, मैसेज आ गया, लोकेशन उन्होंने भेज दिया, लोकेशन मैंने लगा ली है। और ये कोई 2 मिनट की लोकेशन बता रहे हैं, 100 मीटर बाद लेफ्ट है। चलते हैं, उनका केक शेक काटते हैं, उनकी खुशी में शरीक होते हैं। और ये कह रही है राइट राइट राइट, अच्छा उपो लोकेशन, एक मिनट रुको आप, अच्छे पीछे भी देखना होता वा, तुम तो मैंने कहते हो मुड़ जाओ, वो एक इतने बढ़ गया मैं उत्ते गली आ, खाली 50 मीटर रहेगा बस। ये गूगल मैप ना सारे फिल्म चलाता हमारे साथ, गूगल भाजी 2 मिनट हौसला करो, भाई सीधा मिलते हैं उनके घर। जहांगीर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तब ठीक है आपके साथ? ये सर माशाल्लाह। चले आप चले अंदर, मैं गाड़ी लॉक कर दूँ। शुक्र अल्लाह का जी, ज़बरदस्त बेहतरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक है, चले चले आप चले, मैं भी चाहता हूँ आप आगे चलेंगे, आगे चलेंगे आप। कई आ गए थे भजन के पास, इनको तो आप पहचानती होंगे, इनको आप कैसा भी पहचानते हैं माशाल्लाह। इनकी आज मिसेस की बर्थडे थी, 10 दिसंबर था आज, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने कराया था, तो इन्होंने केक मंगवा लिया शंग्रीला से, और कर्टन भी मंगवा लिए हैं। आप भी कैमरा लगा रही हैं, वो कहते कि हम भी इस खुशी को कैप्चर करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, आ जाए आप। ये जल गई गाइस, जल गई, आप केक ये ही लें, केक ये आप लें, आप लें केक काटें। आप इनकी खुशी देखें माशाल्लाह, इनकी खुशी मजा, इनकी खुशी में शरीक होकर ना, बस आप लोग इनको यार सपोर्ट करें। उमर भाई के शामिल होने में ना हमारी खुशी हजारों गुना बढ़ गई, करोड़ों। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप भाई हमारे आ करें बस,
इधर आ करे ना, ऐसे आ करे, आ करे। आपका प्यार है भाई, आप आए हैं, बहुत आपका शुक्रिया है, आपने इतने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। नहीं नहीं, कीमती वक्त की कोई बात नहीं जी, आप हमारे बड़े हैं, आपने हमें इतनी खुशी से बुलाया तो हम कैसे नहीं आ सकते। तीन दिन हमारी खुशियों में चार चांद लगे आपके आने। बहुत मेहरबानी गाइस, इनको आप सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इनके चैनल का लिंक मैं दोबारा लगा दूंगा। ब्लाइंड कपल है हमारे चैनल का नाम, ब्लाइंड कपल, मैं इनका लिंक दोबारा एक दफा लगा दूंगा एक हफ्ते, इनको जाकर सपोर्ट करें, जल्दी जल्दी जाएं, मेरे भाई जितने भाई हैं, और अपने भाई को दें इजाजत, आपका भाई जा रहा है घर, अल्लाह हाफिज़।